हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस, समबडी प्लीज पिंग मी सो दैट आई कैन स्टार्ट द सेशन। हाँ जी दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम लोग, आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, आज का सेशन छोटा ही होगा। और स्पेसिफिकली यहाँ पर हम लोग दो मेजर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हरिजन मूवमेंट, जो कि शुरुआत की थी एम के गांधी जी ने, जो कि येरावड़ा जेल पूना से स्टार्ट किया गया था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं, जिसको इंडिया का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है दोस्तों, और ये स्पेक्ट्रम सीरीज के हिसाब से मैं बता रहा हूं। और स्पेसिफिकली बात की जाए तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, सेशन छोटा ही रहेगा और बहुत ही क्रक्स वाइज फॉर्मेट में, बुलेट वाइज फॉर्मेट में, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में हम लोग चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। Hello everyone, my name is Alok Ojha. I've done my engineering from Pune. I hold experience of teaching for almost around 6.5 to 7 years. I hold experience of different examinations like UPSC prelims and mains, Uttar Pradesh PSC prelims and mains, Combined Defence Service, CAPF Assistant Commandant and so on. Guys, Unacademy platform or specifically dekha jaye any platforms mein differences kya hai usually? Prelims crash course ye fees mein included hoga, CSAT ka course ye fees mein included hai. Mains course, prelims test series and mains test series, it is completely included into the course. Republic Day extended offer chal raha hai guys. Yahan par 50% flat off hai, plus 6 months ka aapko free extension dekhne ko milega. Chahe wo foundation batch ho, mission IAS batch 26-27 ho, ya English batch hai, jo ki 13th of Feb se live hone wala hai. Aur ye offer aaj ke din tak hi seemit hai. Aur minimum price se start ho raha hai guys, ye 25,263 only. Bharat ke top educators aapko guide karne wale hai for different subjects. प्रिलिम्स और मेंस की सेपरेट टेस्ट सीरीज होगी विद प्रॉपर इवैल्यूएशन, वन ऑन वन मेंटरशिप होगी एंड डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको देखने को मिलने वाला है। सो प्लीज टू सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय कोड AKOUS। फाउंडेशन बैच की खासियत बता देता हूं दोस्तों मैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक्सटेंडेड ऑफर है रिपब्लिक डे का, 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। टॉप एजुकेटर्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, इट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स, That is ancient, medieval, modern, world history, art and culture and so on. तो हर subjects के लिए आपको proper experts guide करने वाले हैं। Notes और PPT मिलेगी हर class के बाद। Mains की test series होगी with proper evaluation. Unlimited access होगा to live and recorded classes. और batch की शुरुआत हो रही है from 30th of Jan. Specifically बहुत ही minimum price से start हो रहा है, that is 25,263 only. So please do subscribe by using my code AKOUS. मिशन IAS बैच फॉर CSE 2026, भारत के टॉप एजुकेटर्स गाइड करेंगे। नोट्स, लाइव टेस्ट और क्विजेज रहेगा। लाइव टेस्ट और क्विजेज का सबसे बड़ा फायदा यह होगा, इससे आपका कॉम्पिटेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपर टाइम टेबल इंश्योर किया जाए ताकि सेल्फ स्टडी प्रॉपर हो, इसलिए यहां पर 1 क्लास पर डे ली जाएगी। और फाउंडेशन बिल्डिंग होगा थ्रू दी NCERTs। ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम फॉर CSE 25, लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, टू द पॉइंट कवरेज होगा, नथिंग मोर नथिंग लेस। इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, डेडिकेटेड लाइव क्लासेस होगा फॉर करंट अफेयर्स, वन ऑन वन मेंटरशिप प्लस स्टडी मटेरियल। और जैसे कि मैंने बताया था, आपका टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से इंश्योर हो पाए, एक तरीके से आपका स्टडी टाइम टेबल प्रॉपर मेंटेन रहे, इसलिए यहां पर 1 क्लास पर डे ही होगी। और एक बैच स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 13th of Feb 2024। सो प्लीज टू सब्सक्राइब बाई यूजिंग माई कोड AKOUS। वाइडेस्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ। गाइस, सिंपलिस्टिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल तो मिल जाएंगे, लेकिन अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल आपको लिटरेचर जैसे ऑप्शनल भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मैथिली लिटरेचर एंड सो ऑन। इसके अलावा आपको टेक्निकल ऑप्शंस जैसे कि मैथमेटिक्स जैसे टेक्निकल ऑप्शनल, फिजिक्स जैसे टेक्निकल ऑप्शनल भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब बाय यूजिंग माय कोड AKOUS।
आई रिपीट द कोड AKOUS। तो दोस्तों अब ज्यादा समय ना गवाते हुए अब हम लोग शुरुआत करते हैं विद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे, दैट इज गांधीज हरिजन कैंपेन। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा सा आपको जेनेसिस बता देता हूं दोस्तों, ताकि चीजें आपको काफी क्लियर हो जाए। जो लोग आज प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं उनके लिए सिस्टमैटिक मैनर में चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो नाउ गाइस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने से पहले ऐसा कहा जाता था कि M.K. गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 11 पॉइंट अल्टीमेटम दिया था। मतलब इनके सामने कुछ 11 डिमांड्स रखी गई थी जो कि अलग अलग कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया था, और कहा गया था कि अगर इन 11 डिमांड्स पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे मजबूरन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना पड़ जाएगा। और जैसे कि हमने देखा था, ब्रिटिशर्स ने इसमें से एक भी डिमांड पर ध्यान नहीं दिया, तो मजबूरन M.K. गांधी को दांडी यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी, जिसको हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। और 12 मार्च को इसकी शुरुआत की गई थी फ्रॉम साबरमती आश्रम। और M.K. गांधी ने उसी समय एक प्रतिज्ञा ली थी, एक प्लेज लिया था, जब तक मैं भारत को आजादी नहीं दिलवा पाऊंगा तब तक मैं साबरमती आश्रम लौटकर वापस नहीं आऊंगा। और 78 से 80 सत्याग्रहियों के साथ इन्होंने साबरमती आश्रम से प्रस्थान किया है टुवर्ड्स दांडी, व्हिच इज रेफर्ड एज दांडी यात्रा और दांडी सॉल्ट सत्याग्रह। स्पेसिफिकली ऐसा कहा जाता है कि पहले दिन इन्होंने 21 किलोमीटर कवर किए, जहां पर 4000 के क्राउड को इन्होंने एड्रेस किया। एंड फाइनली ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड एज दांडी, पिक्ड अप सॉल्ट एंड सेड, With this, I shake the foundations of British Empire in India. और इसके बाद दांडी यात्रा के बाद there was breakage of salt law throughout the countries by different leaders. Example, सी राजगोपालाचारी ने इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में फैलाया, के केलप्पन ने इसको मालाबार, खास करके केरला के क्षेत्र में इसको फैलाने की कोशिश की है, एंड सो ऑन। अब कहीं ना कहीं पर ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक बात आ गई थी कि नाउ गांधी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और यहां पर इन्होंने पहली बार सीरीज ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बींग रिप्रेजेंटेड बाय M.K. गांधी, ठीक। और इससे पहले क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट, उस समय के वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने M.K. गांधी की कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट किया और M.K. गांधी ने यह कहा कि तत्काल रूप से मैं टेम्पररी बेसिस पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर रहा हूं और मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा रिप्रेजेंटिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मेजर आउटपुट नहीं आया है। तो फाइनली M.K. गांधी वापस भारत आए हैं और इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। और ऐसा कहा जाता था कि इनको पूना के येरावड़ा जेल में रखा गया था। उसी समय पर ब्रिटिशर्स ने बड़े होशियारी से और बड़े चालाकी से कम्युनल अवार्ड घोषित किया। और कहीं ना कहीं पर M.K. गांधी को ऐसा लगने लगा कि शुरुआती तौर पर ब्रिटिशर्स ने एक कार्ड खेला था, और वो कार्ड क्या था, कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, जिससे इन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर इन्होंने दूसरा कार्ड खेला, एंड दैट वाज व्हाट, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, प्रोविंसेस को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश की गई है इन कंपैरिजन टू द स्टेट। और अब ये तीसरा कार्ड खेल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस डाइसेंशंस अमंग द हिंदू सोसाइटी बाय कमिंग अप विद कम्युनल अवार्ड। और उसी से पहले M.K. गांधी ने येरावड़ा जेल में फास्ट अनटू डेथ की शुरुआत की। और उसी समय पर यहां पर पूना पैक्ट साइन किया गया है B.R. अंबेडकर जी और M.K. गांधी जी के बीच में। और यहीं पर सबसे पहली बार जेल से ही इन्होंने क्या शुरुआत की, अनटचेबिलिटी लीग, जेल से शुरुआत की। और इन्होंने जनता को सेंसिटाइज करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसका नाम था हरिजन। हरिजन का अर्थ क्या होता है, पीपल ऑफ हरि, पीपल ऑफ गॉड। और इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की येरावड़ा जेल से ही। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्होंने साबरमती आश्रम में एक प्रतिज्ञा ली थी, और क्या प्रतिज्ञा ली थी, कि अगर मैं भारत को आजादी नहीं दिलवा पाया तो मैं साबरमती आश्रम दोबारा नहीं आऊंगा। आजादी तो मिली नहीं,
तो एमके गांधी ने अपना दूसरा आश्रम स्थापित किया जिसको कहा गया है सत्याग्रह आश्रम, जो कि वर्धा में है नागपुर के पास महाराष्ट्र में, और हरिजन सेवक संघ की इन्होंने शुरुआत की। अब बेसिकली ऐसा कहा जाता था कि हरिजन सेवक संघ के लिए जनता को सेंसिटाइज करने के लिए इन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा कवर की है पूरे भारत में, और यहां पर फंड इकट्ठा करने के लिए गांव गांव जाकर, तालुका जाकर, वार्ड जाकर, नगर में जाकर जनता को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है। यस, टू एन एक्सटेंट इनको ऑर्थोडॉक्स हिंदूज का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका मानना था कि हमारा मुख्य मुद्दा है अनटचेबिलिटी, जो कि रूट सोशल ईविल है, इसको समाज से उखाड़ फेंकना। गेटिंग द पॉइंट्स क्लियर? तो इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लिव्स, अनटचेबिलिटी हैज टू डाई इफ हिंदुइज्म इज टू लिव। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का। अर्ली वैदिक पीरियड में अगर बात करें तो सती प्रथा नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं था, फीमेल इन्फेंटिसाइड नहीं था, वुमेन वर अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कास्ट सिस्टम था जरूर, लेकिन उसका पालन कट्टरता से नहीं किया जाता था। लेकिन चीजें एग्जैक्टली रिवर्स हो गई लेटर वैदिक पीरियड में। सती प्रथा आ गई, चाइल्ड मैरिज आ गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड आ गया, कास्ट सिस्टम का पालन बहुत ही रिजिडली किया जाने लगा, कट्टरता से किया जाने लगा। और जब गुप्ता एरा आया है तो ऐसा कहा जाता था एक फिफ्थ कास्ट आ गई जिसको कास्ट ऑफ अनटचेबल्स कहा जाता था, दे वर कॉल्ड बाय डेरोगेटरी नेम ऑफ चांडाल्स। जब भी बेसिकली गांव में एंटर कर रहे हैं तो दे हैड टू कैरी अ ड्रम अराउंड देयर नेक। व्हाई? ताकि ये दे कैन बीट दैट ड्रम व्हेन दे आर एंटरिंग टू द विलेज, ताकि इन लोग साइड हट जाएं, इनकी परछाई किसी पर ना पड़े। ये कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अगर कुएं का इस्तेमाल कर लिया गया तो इस कुएं को दूषित घोषित कर दिया जाता था, प्रदूषित घोषित कर दिया जाता था, पल्यूटेड। प्लस दे कैन नॉट एंटर इन टू द टेम्पल्स, सो दिस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज रेफर्ड एज कम्युनिटी ऑफ अनटचेबल्स। तो यहां पर इनका बहुत ही सिंपल सा तरीका मानना था, अगर हिंदुइज्म को जीवित रखना है तो अनटचेबिलिटी को मरना होगा। हाँ, अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम दोनों अलग चीज है, तो इन्होंने अनटचेबिलिटी की बात की थी, ना कि कास्ट सिस्टम की बात की है, और इसके लिए हरिजन सेवक संघ की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ क्या है, रूट इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हिच इज अ सोशल ईविल एंड प्रिविलेंट अमंग द सोसाइटी। ठीक है दोस्तों, और हरिजन इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, एक भक्ति संत थे जिनका नाम था नरसिंह मेहता, जरूर याद रखना, देर वॉज अ भक्ति सेंट रेफर्ड एज नरसिंह मेहता हु कॉइन्ड द टर्म हरिजन फॉर द फर्स्ट टाइम। हरिजन बेसिकली मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभार हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है हरिजन एक जर्नल था, एक वीकली था, ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो 90% आई एम प्रेटी श्योर स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स क्या मार्क करेंगे, बी आर अंबेडकर जी, या तो सावित्री बाई, या तो ज्योतिबा फुले जी। ठीक है, हरिजन इस जर्नल की शुरुआत की थी एम के गांधी ने, तो एम के गांधी के कुछ अखबार दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यंग इंडिया, ये एम के गांधी का है, न्यू न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट का है। ठीक है, हरिजन ये एम के गांधी का है, इंडियन ओपिनियन ये अखबार एम के गांधी का है, और इंडियन ओपिनियन इस अखबार की शुरुआत एम के गांधी ने कहां से की थी, इस अखबार की शुरुआत की गई है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एम के गांधी वॉज इंट्रोड्यूस टू भगवत गीता फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंडन, एंड एम के गांधी डिड नॉट कॉइन द टर्म सत्याग्रह इन इंडिया, क्योंकि 90% लोग क्या कहेंगे, एम के गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल सबसे पहली बार चंपारण में किया। नहीं दोस्तों, एम के गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का शब्द का इस्तेमाल साउथ अफ्रीका में किया है, और इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले इनके अखबार इंडियन ओपिनियन में देखने को मिलेगा, जो कि साउथ अफ्रीका से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। यहां तक की चीजें दोस्तों आपको समझ में आई हैं, प्लीज लेट मी नो। हां जी,
कहीं कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, बिंदास आप मुझसे पूछिए। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक। अब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी। सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लगना चाहिए कि ब्रिटिशर्स आर नाउ सीरियस इन डेलीगेटिंग मोर राइट्स टू इंडियंस, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बता देता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बता देता हूं। ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कंपैरिजन बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। 1892, 1909, 1919 और फिर 1935, ध्यान से सुनिएगा ताकि चीजें आप आसानी से कोलिंक कर पाओ, ठीक है। नाउ, एज पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जो एक तरीके से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसमें मिनिमम सीटें थी 10, मैक्सिमम सीटें थी 16। अब इसको 1909 में बढ़ा दिया गया, 16 से 60 कर दिया गया। ऐसा लग रहा है ना कि ब्रिटिशर्स आर इंटरेस्टेड, एक्चुअली इंटरेस्टेड इन डेलीगेटिंग मोर राइट्स टू द इंडियंस। ऐसा कुछ भी नहीं था, लिटरली ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इन 60 सीटों का विभाजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 33 आर नॉमिनेटेड, 27 आर इलेक्टेड, और जो नॉमिनेटेड है इनको नॉमिनेट कौन करेगा? ब्रिटिशर्स। 27 जो इलेक्टेड हैं उसमें से भी क्या है, 8 सीट्स आर रिजर्व फॉर मुस्लिम्स, 6 फॉर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड 2 स्पेसिफिकली फॉर यूरोपियंस। हो गई 16 सीटें, बची कितनी सीटें? 11 सीटें। दिखाया या प्रोजेक्टेड सीटें कितने हैं? 16 सीटें, सॉरी 60 सीट्स। चलिए ठीक है, अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया दोस्तों, डायरेक्ट। द जेनेसिस ऑफ राज्यसभा गोज बैक टू, सो द जेनेसिस ऑफ राज्यसभा गोज बैक टू मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्यों? क्योंकि एज पर 1919 एक्ट बाय कैमरलिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। सेंटर में बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था, और दो सदन थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली सिनोनिमस विद प्रेजेंट डे लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स सिनोनिमस विद प्रेजेंट डे राज्यसभा, ठीक। डायार्की इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोविंसेस में 1919 में, ठीक है। और डायार्की का अर्थ क्या होता है? रूल ऑफ टू। एक हुआ गवर्नर जनरल एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और दूसरे थे मिनिस्टर्स। सब्जेक्ट्स को बांट दिया था दो हिस्सों में, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब यहां पर क्या होता है एज पर 1935 एक्ट, इसको आप समझें। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज क्रिएटेड, जिसके तहत अगर बात की जाए, बाय कैमरलिज्म सेंटर में तो है ही, प्लस इन्होंने क्या किया, कुछ राज्यों में भी बाय कैमरलिज्म लेकर आए। मतलब यहां पर दो सदन होंगे, जैसे होता है ना राज्यसभा में, सॉरी जैसे होता है कुछ कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी प्रकार से कुछ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को बाय कैमरल बनाया गया है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और वो कौन कौन से हैं? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड आसाम, इनको बाय कैमरल बनाया गया है, ठीक। इसके अलावा अगर बात की जाए, तीन लिस्ट आ गई, आज की डेट में भी होती है लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, उसी प्रकार से फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, और इस पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है। प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें 54 आइटम्स थे, जरूर याद रखना, 59 आइटम्स फेडरल लिस्ट, 54 आइटम्स प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। और प्रोविंशियल लिस्ट मतलब नाम से पता चल रहा है, इसमें कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार कानून बनाएगी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 36 आइटम्स हुआ करते थे, और इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, सेंटर एंड प्रोविंसेस, मतलब स्टेट और सेंटर, लेकिन यहां पर सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। आया समझ में? तो बाय कैमरलिज्म कहां पर था? सेंटर में।
कुछ राज्यों में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, आसाम एंड बिहार। ठीक। इसके अलावा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई, जिसको फेडरल कोर्ट कहा गया है। तो चीफ जस्टिस के अलावा सिक्स अन्य जजेस भी हुआ करते थे। ठीक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाया गया है, जिसको हम लोग साधारण सी भाषा में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में था। इसके अलावा भी याद रखना, क्या बताया था दोस्तों मैंने, 1919 में डायर्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस, बराबर, मतलब रूल ऑफ टू, अब डायर्की को हटा दिया गया, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया है। सो डायर्की वॉज एनल्ड और एबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज ब्रॉट इन। गॉट द पॉइंट्स क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन की। फेडरेशन का अर्थ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड वीक प्रोविंसेस, एंड द पावर डिराइव्स फ्रॉम द सेंटर। स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ जो राज्य थे वो थे 11, 11 प्रोविंसेस, और 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जिसको हम लोग आज के डेट में बोलते हैं यूटीज, और इसके अलावा थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन व्हाट वी से व्हाट द यूनियन, और अगर वो यूनियन ज्वाइन नहीं करना चाहते दे शुड क्रिएट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। बाकी जो कमिश्नरेट प्रोविंसेस थे और जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, इट वॉज कंपल्सरी फॉर देम टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। ठीक। अब यहां पर सीटों का कैसे बंटवारा किया गया, अब इसको समझे आप। सिंपल सा अगर मैं बात करूं, डायर्की कहां पर एबॉलिश की गई थी, मैंने बताया था आपको, डायर्की वॉज एबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस एंड डायर्की वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द सेंटर। और सेंटर में दो सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है, विच आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, रेवेन्यू, दीज आर रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट लोकल इंपॉर्टेंस, जिस पर मिनिस्टर्स कानून बनाएंगे। इसके अलावा सीटों का अगर गठन बताऊं मैं आपको, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता था, इट इज सिनोनिमस विद प्रेजेंट डे लोकसभा। इसमें सीट्स कैसी थी, 260 सीट्स, 156 फ्रॉम स्टेट्स, मतलब ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स एंड व्हाट वी सी यूटीज, और 104 थे प्रिंसली स्टेट्स के। 156 में भी 150 दे आर इलेक्टेड एंड 6 वर नॉमिनेटेड। इनका इट वॉज अ व्हाट वी से, अगर देखा जाए काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करूं मैं, तो ये इट वॉज अ परमानेंट हाउस, 1/3 मेंबर रिटायर होते थे हर 3 साल पे। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स इट इज सिनोनिमस विद प्रेजेंट डे राज्यसभा। ठीक। फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें सीटें कैसी थी, 375 सीट, 250 फॉर ब्रिटिश इंडिया एंड 125 फॉर प्रिंसली स्टेट्स। और इनका टेन्योर था 5 साल, इनको कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता था। सेम हैपेंस विद व्हाट, टुडेज लोकसभा, करेक्ट। इसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बता, अभी थोड़ी देर पहले बताया, 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, जिस पर केंद्र कानून बनाएंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 59। प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 54, इस पर कौन कानून बनाएंगे, राज्य कानून बनाएंगे। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ने कानून बनाया तो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स थे 36 एंड रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू गवर्नर जनरल। नाउ व्हाट इज रेसिड्यूरी पावर्स, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट, अगर कोई आइटम किसी तीनों लिस्ट में नहीं है तो उसमें कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास है। दिस इज कॉल्ड एज रेसिड्यूरी पावर्स, ठीक है। इसके अलावा 80% बजट अभी भी नॉन वोटेबल रखा गया है, ठीक है। फ्रेंचाइजी एक्सटेंड की गई थी, महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार अब मिल चुका है। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग किया, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, इनिशियली दे वर अ पार्ट ऑफ द सेम प्रोविंसेस, और बर्मा को कंप्लीटली भारत से अलग कर दिया गया। तभी तो मैंने आपसे क्या कहा था दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज ऑल्सो रेफर्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। समझ में आया दोस्तों चीजें, तो मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूं 2-3 पॉइंट्स पे, याद रखने ये मुद्दे बहुत जरूरी है। 1919 में देखा जाए अगर, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे, यहां पर भी सेम है, सिर्फ संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक।
डायर की प्रोविंसेस में थी, अब डायर की सेंटर में आ गई है एज पर 1935। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है 1935 में, व्हिच इज सिनोनिमस विद प्रेजेंट डे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा पहले 2/3 बजट ये नॉन वोटेबल था, अब 80% बजट एक तरीके से देखा जाए तो नॉन वोटेबल है। पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, अब महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया गया है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। होप सो दोस्तों, यहां तक की चीजें आपको समझ में आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। मैंने बहुत ही क्रक्स वाइज फॉर्मेट में, बहुत ही पॉइंट वाइज फॉर्मेट में आपके सामने चीजें पेश करने की कोशिश की है फ्रॉम स्पेक्ट्रम सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी बाय यूजिंग माय कोड AKOUS, और जो जो कोर्सेज हैं स्पेसिफिकली, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी गाइज। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड यूज माई कोड AKOUS। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल डे अहेड।